हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश। दोस्तों, रियल जो मॉक टेस्ट है उसके लिए आप सब तैयार हो जाएं, पेन और कॉपी लेकर के। अपने आंसर आप लिखते जाएं, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, आगे के आपका जो भी स्कोर बनता है उसको पूरे ईमानदारी के साथ ऐड करें, उसको जोड़ें और मुझको कमेंट बॉक्स में भेजना मत भूलना। उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा। ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। इंग्लिश के रूल मॉक टेस्ट के माध्यम से क्या होते हैं, रिकॉल हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। और कुछ रूल जो हमको नहीं आते हैं, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको नए नए रूल का पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर, पार्ट वन, स्पॉटिंग एरर। इसमें हमको एक क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, उसके हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। इसमें एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में किसी एक जगह पर एरर होता है, ग्रामेटिकल एरर एक होता है, वो हमको फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो हम चूज करते हैं ऑप्शन डी, मतलब नो एरर। देखिए बच्चों, जो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर चार ऑप्शन की जगह पर फाइव ऑप्शन आपको एग्जाम में देता है, ए बी सी डी ई, ई तक देगा। ई में कहेगा आपको नो एरर, मतलब कि बैंकिंग का जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है और उसमें लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं, उसमें आपको एरर फाइंड करना होता है। बट एसएससी का एग्ज़ाम चाहे एमटीएस का हो, एलडीसी का हो या फिर सीजीएल का हो, तो इसमें जो ग्रामर के रूल होते हैं काफ़ी गिने चुने रूल होते हैं। वो सभी रूल मैंने मैक्सिमम आपको अपने लूसेंट इंग्लिश की जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है उसमें जो भी मैंने वीडियो अपलोड करे हैं तीन चार पार्ट, उन सब में मैंने इन सभी रूलों को क्लियर कर दिया है। कोई भी अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो अगर ये आपके लिए चैनल यूजफुल हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, सपोजिंग इफ, ए पार्ट में कहा है सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो यहाँ पे उसने पूरा सेंटेंस हमको दे दिया है। इसमें देखना है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग कहाँ पर एरर है, कहाँ पे इसने ग्रामेटिकल एरर दिखा रखी है और कहाँ पर नहीं। अगर किस पूरा सेंटेंस अगर पूरा राइट है तो हमको नो एरर पे टिक लगा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है, आप भी ठीक है बैठिए, पेन पेपर लेके अपना आंसर अपना नोट करिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, सपोजिंग इफ में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि इसमें दोनों का मतलब सेम होता है। वर्बल मेथड हम जो मौखिक रूप से बोलते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सपोज। तो यहाँ पे क्या है, जो भी मिस्टेक है पार्ट ए में है, दो में से कोई एक आएगा, या तो इफ लगा के हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे पूरा, या फिर सपोज लगा के। तो यहाँ पे जो हमें एरर मिला है वो कहाँ मिला है, पार्ट ए में। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अपना आपको नंबर दे रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में आपको कितने राइट आंसर आए और कितने रॉन्ग आए बस मुझे वो लिख के भेजना, मैं उस पर आपको फीडबैक जरूर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे कह रहा है, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे कि द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम। देखिए एक रूल है, आप उस रूल को लिख लीजिए, अगर आपको आता है तो मत लिखना। देखिए जो भी नए बच्चे हैं जिनका इंग्लिश सेक्शन काफ़ी वीक है तो वो इस रूल को तो जरूर लिखें। लिखिए अलोंग विद, बिसाइड्स विद, एज वेल एज, जैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो वर्ब जो आती है, वर्ब को आप हाईलाइट कर लेना, प्राइमरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी या प्राइमरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी सब्जेक्ट है कैप्टन। कैप्टन क्या है यहाँ पर, और कैप्टन के साथ क्या लगा है, अलोंग विद। रूल क्या था, अलोंग विद, बिसाइड्स विद, एज वेल एज। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन क्या है, प्राइमरी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है बी सेक्शन में आर। तो यहाँ पे आर की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एज। आर की जगह पर क्या आएगा, एज। तो कौन से सेक्शन में एरर है हमारे पास, पार्ट बी में क्या है, एरर आ गई।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रूल काफी अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। डी ऑप्शन है नो एरर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें देखिए एक छोटा सा रूल है, इट प्लस इज प्लस वाज। इट के बाद इज आए या वाज आए, उसके साथ जो प्रोनाउन या नाउन आती है इसके बाद में, वाज के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आई है वो आई है हिम, ठीक है। अगर उसके बाद हु लगाए, WHO हु लगाए, विच लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, इसके साथ वर्ब का फॉर्म रिलेटिव प्रोनाउन WH मतलब हु विच और दैट से पहले आए नाउन के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए यहाँ पर जो उसने बोला है, यहाँ पे हिम की जगह पर होगा राइट, वो होगा यहाँ पर ही। ऐसे सेंटेंस में हम हिम हर इस टाइप के सेंटेंस का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या वाज सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है, तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही। तो जो पार्ट ए है उसमें हमारा एरर है। मैं इस रूल को दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा बच्चों को समझाने के लिए आगे। देखिए इट प्लस इज या वाज प्लस प्रो नाउन या नाउन के बाद आए हु विच दैट के साथ वर्ब का फॉर्म रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही तय होता है। देखिए जैसे मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसमें, कि अगर एग्जाम्पल इस तरह से हो कि इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यहाँ पे जो WH आया है और यहाँ पे आई आया है, तो WH के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एम। तो इस तरह से सेंटेंस आपको एग्जाम में देगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है, जो उसने सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस अगर हम गौर से देखें तो ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी गई है। अगर मैं आपसे कोई सेंटेंस जो दिया गया है एग्जैक्ट यहाँ पे 2190 मीटर अबव द सी लेवल, ये तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसने पैसिव पढ़े होंगे, एक्टिव पैसिव जिसको आते होंगे, तो उसको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे इज एम आर के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे जो पार्ट बी है सिचुएटिंग SITUATING, तो यहाँ पे ING नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आएगा TED, TED सिचुएटेड इसका राइट आंसर होगा। और पार्ट बी में जो है इसने यहाँ पे एरर दे रखा है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव पर उसने बोला, ही एंड हिज ब्रदर वर 2 years सीनियर्स देन मी एंड माई फ्रेंड्स। बाद में बोला है उसने नो एरर। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में जो है सीनियर के बाद देन का यूज कभी भी नहीं होता है, सीनियर के बाद यहाँ पे आएगा टू, तो पार्ट बी में यहाँ पे एरर था। तो आप इस पर टिक लगाएंगे, अपने आंसर एक एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ उस पर पॉज करिए, अपना आंसर खुद लिखिए, उसके बाद में उसको प्ले करिएगा, और अपना आंसर मैच करना कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमारे पास नया पार्ट आ गया है, तो सिक्स में जो पार्ट टू है, पार्ट टू में हमको बोलता है एग्जाम में फिलर फिल करने के लिए, हमको फिल इन द ब्लैंक्स उसने दे दिया है। उसके बाद हमको चार ऑप्शन देगा ABCD, उसमें से कोई एक राइट आंसर हमें चूज करके उसमें फिल करना है और सेंटेंस को एक सही अर्थ देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, फॉर ए चाइल्ड ए बिलो डैश सेल्फ एस्टीम इज ए टेरिबल थिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो मीनिंग है वो ये है कि बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है उसको चोट लगे तो वो एक बुरी बात है। देखिए ऑफ विद और ऑन अगर आप गौर करें, ये सब क्या है, और यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशंस है। तो यहाँ पे अगर मैं टू लगाता हूँ सेंटेंस में तो एक सही फ्लो आ रहा है सेंटेंस का और एक सही मीनिंग निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, यहाँ पर लगेगा टू। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे कहता है, द ग्रीन लैंड आइस
sheet is dash at the rate of about 12 cubic miles a year. इसने हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीन लैंड की जो आइस शीट है वो 12 क्यूबिक मीटर के हिसाब से पिघल रही है। देखिए पिघलने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पिघलने का मतलब जो होता है वो होता है मेल्टिंग। हम कहते हैं ये जो कुल्फी थी आइसक्रीम ने ली थी वो मेल्ट हो गई, मेल्ट का मतलब पिघलना होता है ठीक है। देखिए स्मेल्टिंग का मतलब होता है धातु का पिघलना, कोई चीज जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होती है अगर वो पिघलती है उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। जैसे आपका गोल्ड, गोल्ड काफी स्ट्रांग होता है अगर वो पिघलेगा उसको बोलेंगे स्मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है किसी सॉफ्ट सी चीज का बहुत जल्दी पिघल जाना, जैसे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, आइसक्रीम टच करने में कितनी सॉफ्ट होती है, या आइस होती है बर्फ होती है वो भी काफी सॉफ्ट होती है बहुत जल्दी पिघल जाती है ठीक है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है धातु का पिघलना, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, और कंडेंसिंग का मतलब होता है लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसिंग। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका होगा ए, मतलब पिघल रही है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश डैश। इसने दो हमको फिलअप दिए हैं आपकी बार, थोड़ा सा क्वेश्चंस को काफी लेंथी बना दिया है उसने। एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द क्लर्क, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे कह रहे हैं प्रिंसिपल ने क्लर्क से एक्सप्लेनेशंस मांगा जो भी गलती हुई है उसका स्पष्टीकरण को लेकर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें हैं कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर जो है एडियम्स और फ्रेजेस है। मैक्सिमम बच्चे ने अगर एडियम फ्रेजेस याद कर रखे हैं तो उनको पता होगा कॉल्ड फॉर जो है एक एडियम फ्रेजेस है, इसका मतलब होता है मांगना, इसका मतलब होता है मांगना। देखिए यहाँ पे जो आएगा कॉल्ड के साथ हमेशा फोर आएगा, फोर हमारे पास ए और बी दो ऑप्शन में है, पर अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस में ई आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा एन लग जाएगा, तो जो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो ऑप्शन बी हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी, बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम ए टमल्टियस वेलकम। यहाँ पे ए बी सी डी हमको इसने चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से हमको एक राइट चूज करके इस फिलअप में फिल करना है और इसका राइट मीनिंग सेंटेंस को देना है। देखिए बच्चों क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9 में जो है इसके पहले चार ऑप्शन दिए गए जुबिलियंट एंड हैप्पी। देखिए कोई भी अगर विक्टोरियस टीम अगर वापस आती है हमारे देश में हम उसको क्या करते हैं वेलकम करते हैं ठीक है। क्राउड जो इकट्ठा हुआ है वो जुबिलेंट और हैप्पी के सेंस में आ रहा है। देखिए जुबिलेंट का जो मतलब होता है वो होता है काफ़ी धूम धड़ाके से किसी चीज़ का स्वागत करना जिसमें आपका साउंड मैक्सिमम यूज़ करा जाता है। जैसे कि अगर कोई टीम क्रिकेट टीम हमारी वर्ल्ड कप लेके इंडिया में वापस आती है तो हम उसको क्या करते हैं क्रैकर के साथ स्वागत करते हैं, तो उसको बोलते हैं जरूरत से ज़्यादा अपनी खुशी को बयां करना प्रेजेंट करना, उसको क्या कहते हैं जुबिलेंट ठीक है जुबिलेंट। और एक होता है हैप्पी, हैप्पी में क्या होता है खुशी तो होती है ठीक है बट ए ऑप्शन से थोड़ी कम होती है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ए इज द राइट आंसर। एरोगेट का मतलब घमंडी सबको पता होता है और एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इसमें। तो वेलकम कब होता है जब कोई पॉजिटिव सेंस में कोई चीज़ आती है तो उसको जुबिलेंट या हैप्पी दोनों से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट इसने इसने बोल रखा है टमल्टियस, टमल्टियस जो है बहुत ही धूमधाम से किसी का स्वागत करना, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है यहाँ पर इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ, यह हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई तक पहुंचे या सच्चाई का पता लगाएं ठीक है। इसमें क्या होता है गेट एट द ट्रूथ का जो मतलब होता है कुछ फ्रेजेज आप लिख लीजिए, गेट एट द ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई का पता लगाना, गेट ओवर का मतलब होता है कंट्रोल करना, गेट इनटू का मतलब होता है किसी सिचुएशन में पहुंच जाना, कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है उसने बोला है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई तक पहुंचे
सच्चाई तक पहुंचे। तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए यहाँ पे वो गेट एट द ट्रूथ, गेट एट द ट्रूथ का मतलब सच्चाई का पता लगाएं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी। डी हमारा क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है सिनोनिमस, मतलब जो वर्ड दिया है DEFER, ये डेफर जो वर्ड दिया है हमको, इसका हमको सिनोनिमस निकालना है कि इसका समान अर्थ क्या होता है। ABCD चार ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन डिफरेंट। इन डिफरेंट का मतलब होता है उत्साहहीन, जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना। पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। एंड डिफर का मतलब होता है अंतर या डिफरेंस करना। डिफरेंस से बना है डिफर। तो यहाँ पे जो इसका राइट मीनिंग होगा, राइट सिनोनिमस जो होगा वो होगा ए, इन डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है हमारा, जो इसका सही मीनिंग होता है वो होता है सर्वत्र फैला हुआ, सब जगह क्या होगा बिखरा हुआ। ABCD चार ऑप्शन दिए हैं इसमें। देखो बच्चों वर्कर, अगर आपका एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन आ रहा है, अगर इंग्लिश आपका एग्जाम में कंपलसरी है, तो आप वर्कर को स्किप नहीं कर सकते। उस एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं वर्कर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तीन तीन वर्ड की दो वर्कर आएंगी तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि आपके एग्जाम में अगर पैराग्राफ आ रहा है, तो पैराग्राफ में इस तरह के वर्डों को मैक्सिमम यूज़ करता है वर्कर वाले को। अगर वर्कर के वर्ड अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप पैराग्राफ के मीनिंग नहीं निकाल सकते, आप फिलर फिल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए वॉकअप को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। वॉकअप को लेकर के मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है अपने चैनल पर, जिसका नाम है राजेश्वरी पब्लिकेशंस। उसमें हमने निमोनिक मेथड के द्वारा सारी वॉकअप याद करी है। तो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, उसमें वॉकअप को समझने का प्रयास करें कि किस ट्रिक से हमने काफ़ी सारी वॉकअप, 30 मिनट में हमने 35 वर्ड हमने याद करने का पूरा प्रयास करा था। उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, उसमें हमने सिंपल करा है, एक वर्ड को अपने रियल लाइफ से ज्वाइन कर दिया है, एक एग्जाम्पल हर एक वर्ड के साथ सेट कर दिया गया है, और इसके द्वारा क्या होता है हमने उस वर्ड को पूरा याद कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। ABCD चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। देखिए वाइड स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। और ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो रैम्पेंट का मतलब होता है सर्व वक्त फैला हुआ, सब जगह फैला हुआ। जैसे अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आप धूपबत्ती जलाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो उसकी फ्रेगरेंस होती है, जो उसकी खुशबू होती है, सब जगह क्या होती है, फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वाइड स्प्रेड, जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है एबेंडन। एबेंडन का मीनिंग मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। देखिए एबेंडन का जो वास्तव में जो रियल मीनिंग होता है वो होता है त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, मैं हर एक का आपको मीनिंग बताता चला जा रहा हूँ। फोरसेक का मतलब भी होता है छोड़ना। एंड लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। सी का मतलब, जो सी का मतलब जो कीप है, कीप का मतलब होता है रखना। और चेरिस का मतलब होता है प्यार करना, दुलार करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, फोरसेक। क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट देखिए इसका मीनिंग अगर आपको पता है, तो आप आसानी से इन सब का आंसर दे पाएंगे, चाहे वो सिनोनिमस हो चाहे एंटोनिमस हो। अगर आपके वर्कअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इंग्लिश सेक्शन में थोड़े से खतरे में हैं। देखिए प्रोक्रेस्टिनेट का जो राइट आंसर होता है वो होता है डिले। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिले, ठीक है। लेट का मतलब भी सेम होता है, लेकिन इसमें जो राइट सेंस देगा हमको वो देगा बी, बी। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब डिले करना, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कैप्रीसियस। देखिए कैप्रीसियस का मतलब होता है कि जिसका मन किसी एक जगह ना टिके। आज वो काम कर रहा है, कल वो काम कर रहा है, जो मर्जी मन में आ रहा है वो काम कर रहा है, ऐसे इंसान को बोलते हैं मन मौजी, ठीक है। कैप्रीसियस का मतलब होता है मनमौजी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फिकल, फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्टेबल किसी काम में ना हो, ठीक है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ शायद इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन है फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब होता है इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सके।
सी फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, एंड डी फ्राइवोलस, इसका मतलब होता है मूर्ख या सिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए फिकल, मतलब मन मौजी, जो मर्जी मन में आ रहा है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पार्ट होगा फोर। देखिए पार्ट फोर में हमसे बोला है एंटोनिमस, मतलब इसके विपरीत अर्थ देखिए क्या होता है, इसका उल्टा अर्थ क्या होगा। देखिए 16 जो वर्ड है बैरन, बैरन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बैरन का हिंदी मीनिंग क्या है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिए। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, जहाँ पे कोई भी पैदावार नहीं होती उसको बोलते हैं बंजर भूमि। यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन को दिए हैं। ए जो ऑप्शन है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, बंजर का उल्टा क्या होगा उपजाऊ, जहाँ पे कोई भी अगर हम बीज बोते हैं तो क्या हो जाए, वहाँ की मिट्टी क्या होगी उपजाऊ होगी और हमको वहाँ पर वो बीज का रिजल्ट देगी। लेकिन बैरन जो भूमि होती है, बंजर जो भूमि होती है, उसमें आप कुछ भी डालें, कुछ भी आप खेती करें, वो क्या रहेगी बंजर की बंजर रहेगी। तो जहाँ पे बी जो है अनप्रोडक्टिव, जहाँ पे कुछ ना उगे, जहाँ पे कोई पैदावार ना हो, उसे बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। तो ये तो बैरन का क्या हो जाएगा, श्रेणीवास हो जाएगा, ठीक है। बट हमसे वो पूछ रहा है एंटोनिमस, तो एंटोनिमस क्या होगा यहाँ पे फर्टाइल, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, डी डी जो ऑप्शन बेलफुल है, बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ते हैं 17, 16 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है वर्च्यू। देखिए वर्च्यू का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है सद्गुण, वर्च्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है सद्गुण। ए बी सी डी चार ऑप्शन अगेन दिए हैं। वाइस का मतलब होता है अवगुण, वाइस का मतलब होता है अवगुण। तो सद्गुण का उल्टा क्या होगा वाइस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए। देखिए बी ऑप्शन है ऑफेंस, ऑफेंस का मीनिंग होता है गुनहगार, फेलियर का मतलब होता है असफल, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए वाइस। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में इसने पूछा है हमसे एंटोनिमस डोलफुल का, डोलफुल का एंटोनिमस क्या होगा। देखिए डोलफुल का जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, सही जो इसका अर्थ होता है वो होता है हताश या दुखी। देखिए दुखी का उल्टा क्या होगा हैप्पी, ए ए हमारा राइट आंसर होगा, सैड इसका सिनोनिम्स रहेगा डोलफुल का, डिजेक्टेड नहीं होगा, डिजेक्टेड का मतलब होता है हताश, ठीक है। बट यहाँ पे इसका उल्टा पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ए हैप्पी। देखिए टेंटेटिव, देखिए टेंटेटिव का मतलब होता है डेट के सेंस में, आपने भी अगर फॉर्म भरा होगा तो उसमें होता है टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव एग्जाम डेट, टेंटेटिव एडमिट कार्ड डेट। तो इस चीज़ से क्या होता है, टेंटेटिव का जो सेंस होता है वो होता है डेट में। ये प्रोविजनल, सॉरी मैं जो होता है इसका होता है प्रोविजनल एक्चुअली, ठीक है। बट हमसे पूछ रहा है वो एंटोनिमस, इसका उल्टा अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फाइनल डेट, फिक्स डेट हो। टेंटेटिव में मतलब कोई चीज फिक्स नहीं होती डेट की, लेकिन फाइनल डेट में क्या होती है, डेट में वो फिक्स होती है। हमसे इसका एंटोनिमस पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए फाइनल, ठीक है। फाइनल हमारा इसका राइट आंसर होगा। देखो टेनासियस, टेनासियस का जो मतलब होता है वो होता है दृढ़ निश्चय, टेनासियस का जो मतलब होता है वो होता है दृढ़ निश्चय करना। तो 19 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चंस पे अपने वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, अपना राइट आंसर चूज कर रहे होंगे, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स राइट और रॉन्ग जितने भी आए हैं, और जो आपने अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, वो भी लिख के मुझे भेजना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कर्टेल, कर्टेल का जो राइट मीनिंग होता है, इसका सही अर्थ जो होता है हिंदी में वो होता है किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। कर्टेल किसी चीज को छोटा करना, ए ऑप्शन दे रखा है इसमें शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब छोटा करना, एन लार्ज, बी में है एन लार्ज, एन लार्ज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। देखिए वो हमसे उल्टा अर्थ पूछ रहा है इसका, एंटोनिमस पूछ रहा है, तो उसका बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। नलीफाई का मीनिंग जो होता है वो होता है कैंसिल करना, एंड डाइवर्ट का मतलब मीनिंग होता है अपने पद से भटक जाना, कहते हैं माइंड डाइवर्ट कर दिया उसने, तो डिवेट और डाइवर्ट दोनों ही सेम वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। पार्ट नंबर 5, अगला जो पार्ट आता है एग्जाम में वो आता है 5, एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे हमको एक सेंटेंस देना, उसका एग्जैक्ट एडियम्स क्या होगा वो हमको बताना पड़ेगा। देखिए टुक लुक डाउन वंस नोज, इसका जो मीनिंग होता है वास्तव में, इसका मीनिंग होता है किसी से नफरत करना, किसी को हीन मानना,
इसका मीनिंग ये होता है। तो आप देखिए ABCD में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, टू रिगार्ड विद कॉन्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है टू बी आंसर्ड बाय स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के द्वारा ये आंसर दिया जाएगा, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर क्या है मुझको बताइएगा, और अगर आपका आंसर राइट हुआ तो आपको फीडबैक में पक्का बताऊंगा आपका आंसर राइट है, अगर रॉन्ग हुआ तब भी मैं आपको इसका राइट आंसर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे देना प्लीज मत भूलिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है यहाँ पर, टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब जो होता है, बिना सजा मुक्ति पाना, बिना किसी पनिशमेंट के मुक्ति पाना। अगर देखो आपको किसी भी सेंटेंस का, इडियम्स और फ्रेजेस का हिंदी में मीनिंग पता है, तो आप ऑप्शन में से बहुत जल्दी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, आपको हिंदी मीनिंग पता था इसलिए आपने ऑप्शन डी काफ़ी इजिली चूज कर लिया। तो इसलिए इडियम फ्रेजेस भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वॉकअप आप स्किप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश का कोई भी पार्ट आने वाला है तो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। तो यहाँ पे हमको ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, इसका जो राइट आंसर है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। 11वां जो घंटा होता है वो क्या है, हमारे पास एक लास्ट मोमेंट दिखा रहा है हमको, जो प्रेजेंट कर रहा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं ना। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, रन थ्रू। देखिए रन थ्रू का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है किसी भी एक्ट या ड्रामे की प्रैक्टिस करना। तो वो क्या कहलाता है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं। किसी भी ड्रामे या एक्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं वो होता है रिहर्सल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। जो एक्यूमुलेट लिखा है इसने, टू एक्यूमुलेट, इसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना, टू स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, टू पे हैवली का मतलब होता है किसी भी चीज़ की भारी कीमत चुकाना, टू पे हैवली। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कह रहा है एट ए प्रीमियम। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ये, एट ए प्रीमियम का जो मतलब होता है मुश्किल से मिलना। एट ए प्रीमियम लोकेशंस, काफ़ी प्रीमियम लोकेशंस में कोई फ्लैट है, जैसे आपने देखा होगा ना एड वगैरह, जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं कहीं पे जाते हैं तो बोर्ड लगे होते हैं एट ए प्रीमियम लोकेशंस, मुश्किल से मिलने वाली जगह का फ्लैट तैयार कर रहे हैं हम लोग सस्ते दामों पर। तो इस तरह से कुछ बैनर वगैरह, कुछ फ्लैक्स वगैरह लगे होते हैं। तो एट ए प्रीमियम का मतलब होता है मुश्किल से मिलना। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। तो अगर आपको इसका हिंदी का मीनिंग पता है कि इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं, डिफिकल्ट टू गेट और ऑब्टेन। मुश्किल से मिलने का मतलब है डिफिकल्ट टू गेट या ऑब्टेन। तो दोस्तों ये आप सभी के हो गए 25 के 25 क्वेश्चंस। अब आप अपना स्कोर जोड़ लें, जो भी आपका फाइनल स्कोर बना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और क्वेश्चन नंबर 21 मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे उसका आंसर जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये था, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। तो इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो मुझको बताना है इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट आप अपनी राय कोई भी हो मुझको भेजना, और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर यूजफुल चैनल हो तो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं किसी SSC एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे रूल आपके लिए काफ़ी यूजफुल थे, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप अगेन देखेंगे, सारे रूल्स आपको रिवाइज अगेन होंगे, तो कम से कम एक वीडियो को 2 से 3 बार देखने का कष्ट जरूर करें, और अपने नोट्स बनाते चले जाइएगा। जिस भी रूल में आपको डाउट था तो उसको अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।